मैं आ चुका हूँ पठान रोड पर। यह है गणेश वेश्यधाम, खंडेल वाल वेश्यधाम भी इसको बोलते हैं। और मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा पूरा। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने वाला जो मंदिर है ये गणेश जी का मंदिर है, और ये हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं हनुमान जी की बड़ी मूर्ति सामने स्थित है, और गोटा है वो ऊपर रखा हुआ उनका। और आगे जाएंगे, आगे देखते हैं हम क्या होता है। और क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे YouTube चैनल देवोत्सव खंडेला पे ज़्यादा लोग गणेश धाम सर्च कर रहे थे, और राजस्थान कल्चर के बारे में बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं आया हूँ यहाँ खंडेलवाल वेश्य धाम के अंदर, इसको गणेश धाम भी बोलते हैं। यहाँ पे 37 कुलदेवियों के मंदिर भी हैं, और हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। और देखो आप यहाँ पे लग्जरी लग्जरी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और चारों तरफ का एरिया आपको दिखाऊंगा, पूरे मैं कवर करूँगा पूरे एरिया को। हरियाली अच्छी है एकदम, कितना बड़ा है, मैं तो पहली बार आया हूँ इसको देखने के लिए। पहले मैं नहीं आया हूँ क्योंकि मेरे YouTube पे बार बार में ये रिकमेंडेशन आ रहा था गणेश धाम का, इसलिए मैं आ जाया हूँ यहाँ। क्यों, लोगों ने बताया कि बुधवार तो मेला लगता है यहाँ पे, भीड़ ज़्यादा होती है। आज तो फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे के दिन आया हूँ मैं यहाँ पे। वहाँ पे अतिथि घर आप देख सकते हैं, खंडेलवाल वेश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट है। ये पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छी हरियाली है, और ये पूरा पक्का इंटरलॉक लगे हुए हैं, रास्ता है अंदर, देखते हैं क्या है। अभी अंदर पहुंचे नहीं हम। अंदर आने के बाद अभी आ चुके हैं हम अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं नंबर से मंदिर बने हुए हैं, ये देखो आप। और ये एक पेड़ है, बहुत शानदार पेड़ है। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाऊंगा आगे क्या होता है। अच्छा गार्डन बना हुआ है एकदम, इधर भी जगह बहुत सारी है, बहुत जगह में फैला हुआ है। अपनी परसाना रोड पर स्थित है गणेश धाम। खंडेलवाल वेश्य धाम भी इसको बोलते हैं। अब हम आ चुके हैं बीचों बीच फव्वारे के पास में, यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है। अब ये फाउंटेन अभी तो चल रहा नहीं, ये बंद पड़ा है। ये फाउंटेन, फाउंटेन के पास आ चुके हैं हम। और यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं, आप देख सकते हैं। और भी कंस्ट्रक्शन निर्माण चल रहा है, सामने देख सकते हैं आप। बहुत सारे जो हैं गेस्ट भी आए हुए हैं आज, देखो जा रहे हैं, कोई आ रहा है गेस्ट, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, इसके कारण लोग यहाँ पे आते हैं और जाते रहते हैं, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है ये। और सामने कुछ बिल्डिंग बनी हुई है,
पानी है यार, इधर नहीं जा सकते। उधर से आओ। आप देख सकते हैं पूरा एरिया, दिखाओ दर्शकों को। आप देख सकते हैं पूरा गणेश धाम का नज़ारा, और यहाँ पे बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। इधर भी देखो, क्या नीम का थाना। हाँ यही बोल दो। अभी यहाँ पे गणेश धाम में श्रद्धालु आए हुए, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? पायल जिलोवा। आप कहाँ से आई हो? नीम का थाना से। और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। किस चीज के दर्शन करने आई हो आप? यहाँ पे गणेश जी, हनुमान जी है, और 37 कुल देवियों के मंदिर है यहाँ पे। हाँ, हनुमान जी, गणेश जी, सब सबके दर्शन करने। अभी बोलोगी? माता, यहाँ पे जो गणेश धाम में मैं आऊँ, यहाँ पे स्पेशल जो कुलदेव के मंदिर हैं, मुझे गणेश जी का मंदिर मिला, हनुमान जी का मंदिर मिला, कितने क्या आए हैं बताओ आप? ये है कि 39 देवी का मंदिर, 39 देवी का मंदिर, एक बैरू जी का, एक बैरू जी का, जैसे 40 हो गए, 40 हो गए, एक हनुमान जी का है, गणेश जी का है, शिव जी का है, 300 धर्म हो गए। तो इसको लोग ज्यादा सर्च करते हैं गणेश धाम के नाम से, गणेश धाम खंडेलवाल वैश्य धाम है ना इसके नाम। खंडेलवाल वैसे धाम है, वैसे ये खंडेलवाल बनी है ना। हाँ बढ़िया। उनकी ये कुलदेवी है सभी। हाँ 37 कुलदेवी है। लेकिन है ये, मैं स्टडी करके आया हूँ, 37 दे रखी है, 39 दिख रही है, लेकिन 39 है ये। 39 है क्या? हाँ जी। देखो मैं दैनिक भास्कर में पढ़ के आया हूँ, 37 दे रखा है, लेकिन ये बोलते हैं 39 है। 39 देव है यहाँ पे। अरे एक बैरू जी का, एक बैरू जी का ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।